भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन महाराष्ट्र और गुजरात में होता है, लेकिन एमएसपी पर खरीद में ये दोनों तेलंगाना से भी पीछे हो गए हैं। साल 2020-21 में तेलंगाना ने कपास की सरकारी खरीद के मामले में सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन वह तेलंगाना के मुकाबले कपास की सरकारी खरीद में 50% से भी कम है। गुजरात तो उसके आगे कहीं भी नहीं ठहरता है। देश के 11 राज्यों में एमएसपी पर कॉटन की खरीद हुई है। इस साल देश भर में एमएसपी पर 26,719 करोड़ रुपए का कपास खरीदा गया, जिसमें से 10,167.62 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी अकेले तेलंगाना की ही है। राज्य के कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी के मुताबिक गुणवत्ता वाले कपास उत्पादन में तेलंगाना देश में सबसे ऊपर है। उनके मुताबिक कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI कपास की खरीद तब करती है जब बाजार में कीमतें MSP से कम होती हैं। राज्य में कपास की खरीद के लिए 376 खरीद केंद्र बनाए गए थे। गुजरात और महाराष्ट्र को कॉटन के मामले में पोर्ट का फायदा मिलता है, इसलिए वहां के किसान ओपन मार्केट MSP से ज्यादा रेट ले रहे हैं। वह सरकारी को खरीद नहीं करनी पड़ी, जबकि अगर निजी क्षेत्र तेलंगाना से खरीदता है तो उसे पोर्ट तक ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ MSP पर खरीद अच्छी हुई है। सरकारी खरीद अच्छी हुई है तो ये किसानों के लिए अच्छी बात है। तेलंगाना में कॉटन की वैरायटी अच्छी है, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड है। राज्य सरकार कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, कॉटन सीड का प्राइस कंट्रोल किया है, किसानों को सहूलियत दी है। यहाँ के किसान क्वालिटी कंट्रोल कर पा रहे हैं। छोटा राज्य बड़े राज्यों पर भारी पड़ रहा है, इसकी खरीद से दूसरे राज्यों को सीखना चाहिए। तेलंगाना के कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी का कहना है कि सरकार सीजन 2021-22 के लिए कपास MSP संचालन के लिए एक ऑनलाइन कपास सॉफ्टवेयर खरीद प्रणाली प्रदान कर रही है। MSP प्राप्त करने के लिए उचित औसत गुणवत्ता FAQ बनाए रखने के लिए किसानों में जागरूकता पैदा की जा रही है। वहीं 2020-21 के फोर्थ एडवांस एस्टीमेट में देश में 353.84 लाख गांठ कपास गांठ का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। सामान्य कपास का MSP 2021-22 में 5,726 रुपये क्विंटल तय किया गया है। वहीं लंबे रेशे वाली कॉटन की MSP 6,025 रुपये क्विंटल है। हालांकि इस साल ये 9,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी है, क्योंकि उत्पादन कम होने की वजह से इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मांग अच्छी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।